स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में भाई। तो अभी आज हम यहाँ से निकल रहे हैं, रात में कल यहीं पर रुके थे, आप पिछला वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, हर की पौड़ी पे, वहाँ पे भाई गंगा स्नान करेंगे, अपने सारे पाप धुल देंगे, जितना पाप अभी तक किया है भाई सारा पाप मुझे वहाँ पे धुलना है। और यहाँ से हम बाहर से निकल रहे हैं, ये गेट है, और यहाँ से भाई मुझे ऑटो मिल जाएगी। यहाँ से जो हर की पौड़ी है वो 8 किलोमीटर है। तो कल हम यहाँ पे आए थे, रुके थे अच्छे से, बढ़िया खाना पीना रहना सब कुछ भाई फ्री है इस धर्मशाले में भाई। अभी हमने ऑटो ले लिया है, ऑटो क्या है, बैटरी रिक्शा है, और ये 20 रुपये में भाई मुझे हर की पौड़ी तक छोड़ देंगे। मतलब हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर पहले छोड़ेंगे, वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। घूमते घूमते वही तो मज़े हैं भाई जाने के। तो भाई अभी जो है मेन हरिद्वार में पहुँच चुके हैं, मतलब हर की पौड़ी में। तो यहाँ पे पहले करेंगे भाई थोड़ा नाश्ता, क्योंकि लगी है बहुत तेज से भूख। नाश्ता करने के बाद उसके बाद भी चलेंगे भाई हर की पौड़ी पे। यहाँ पे हम खा रहे हैं अभी पराठा भाई, ये पराठा भाई 70 रुपये का, पर हाँ वैसे पराठा है, ये नॉर्थ ईस्ट जैसा पराठा नहीं जो वहाँ पे मैदे वाला मिलता था 20 रुपये 30 रुपये का, वैसा नहीं, ये भाई पूरे आटे का और अच्छे से आलू प्याज भरा हुआ है। तो भाई यहाँ का यूपी और उत्तराखंड का पराठा अलग लेवल का होता है। ये है भाई हर की पौड़ी का मेन गेट, इधर से अंदर में जाएंगे तो भाई आपको गंगा जी का घाट मिल जाएगा। तो चलिए भाई अंदर चलो, भीड़ देखो भाई साहब चारों तरफ, आप देखोगे ना इतनी पब्लिक आई हुई ना, क्या बात है भाई साहब, हर हर महादेव। ओ भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, यहाँ का तो नज़ारा देख के भाई दिल खुश हो गया। और अगर आपको नीचे का नज़ारा दिखाएंगे ना भाई तो दिल दुगना खुश हो जाएगा। आपको दिखाओ भाई, देख रहे भाई सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, अच्छे से मज़ा आ रहा भाई साहब, क्या बात है। यही है भाई मेन घाट, पर यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, हम उस साइड जाएंगे नहाने के लिए भाई, वहाँ पे क्लॉक टावर के पास, उस साइड से अच्छे से नहा सकते हैं भाई। हमें उस पार जाने के लिए वहाँ से पूरा इधर घूम के जाना पड़ेगा, यह पुल से उस साइड जाएंगे भाई, कितना लंबा घूमना पड़ रहा भाई उस पार जाने के, इधर में इतना भीड़ है कि नहाया नहीं जाएगा। तो भाई अभी जो है मेन घाट पर आ चुके हैं जहाँ मुझे नहाना था, और अभी जो है प्रदीप भाई अपना पाप धुलने जा रहे हैं। प्रदीप भाई पाप धुल लो, ए ये गया बेटा जा रहा भाई ये डूबती, पानी भाई बहुत क्लियर है। ऐसे यहाँ पे मैं पिछली बार अगस्त में आया था तो बारिश की वजह में गंदा हो जाता है थोड़ा। अरे भाई डूबते तो लगा अरे प्रदीप एक बार पूरा डुबकी लगा दो, लगाओ लगाओ लगाओ, कमान भाई धुल गया भाई का, भाई का पाप धुल गया। अभी मैं भी धुलूंगा भाई थोड़ी देर बाद, नहाऊंगा स्नान करूंगा, ऐसे मैं भाई थोड़ा मजाक के लिए बोल रहा हूँ। और अभी नहाएंगे, ये नहा ले उसके बाद भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको चोरी के लिए भाई सामान बहुत गायब होता है, इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। कभी भी आओ, 2-3 लोग आओ, 1 लोग बैग के पास हमेशा रहो, नहीं तो इतनी जल्दी भाई एक डुबकी लगाओगे ना इधर बैग मोबाइल आपका गायब हो जाएगा, ऐसा सीन है। यहाँ पे देख लो काफ़ी लोग नहा रहे भाई, ये मैं यहाँ पे आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे व्यू अच्छा आता है उधर साइड से, तो अच्छा है अभी वो नहा ले उसके बाद मैं भी नहाऊँगा। तो भाई अभी जो है नहा कर रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग जाएंगे मनसा देवी दर्शन करने के लिए। जो ऊपर में आप भाई पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ के ऊपर में है मनसा देवी का टेम्पल, काफ़ी मतलब चढ़ के जाना पड़ता भाई, 2 घंटे लगते हैं और इतना धूप हो गया है, क्या करेंगे, दर्शन तो करना ही है, मेहनत तो करना ही है, अब दर्शन करना है तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और काफ़ी लोग भाई अभी नहा ही रहे, देख रहे हो लगातार भाई लगातार भीड़ बढ़ती जा रही, भीड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे। सामने जो भाई आप देख रहे हो इसको बोलते हैं धनुष पुल, क्योंकि भाई ये पूरे धनुष के आकार में बना हुआ है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है धनुष पुल। इधर भी काफ़ी लोग नहा रहे हैं, पर भाई इधर का बहाव बहुत तेज है इधर, इसलिए रेलिंग लगा दी गई है भाई कोई भी दुर्घटना ना होने पाए। वो वहाँ पे भाई मुझे जाना, आपको दिख रहा होगा मनसा देवी का टेम्पल, मतलब इतने ऊंचाई पे जाना, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है, ये मेरे लिए कुछ नहीं भाई, केदारनाथ वैष्णो देवी का ट्रैक कर चुका हूँ। तो भाई अभी जो है मनसा देवी के रास्ते पे हम आ चुके हैं, और भाई मैं यहाँ पे भीड़ देख कर बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि इतना भीड़ भाई साहब, देख रहे हो ना जिधर देखोगे आपको आदमी आदमी दिखेंगे। और ये है भाई मनसा देवी का पैदल मार्ग, इधर से सीधा ऊपर जाएंगे, यहाँ से 0.5 किलोमीटर है, 550 मीटर दिखा रहा, पर भाई पहाड़ों पे चढ़ना है ना तब तो क्या होने वाला है, अभी देखो अभी पसीने निकलेंगे भाई साहब, और भीड़ देखो कितना है। ओ भाई अभी भाई चढ़ाई चालू नहीं की है, यहीं से लोग प्रसाद देने लगे, अभी भाई हमें जाना है 0.5 किलोमीटर ऊपर, और यहीं से लोग मिल जाएंगे भाई जो आपको ज़बरदस्ती प्रसाद देने लगेंगे, तो यहाँ मन लेना भाई,
मेरा सजेशन है, मैं तो जा चुका हूँ ना भाई, सबसे ऊपर जाके लेंगे वहाँ से। यहाँ से कहाँ ले जाओगे भाई, आधा किलोमीटर टांग के रास्ते में बंदर वगैरह मिलेंगे, छीन लेंगे, फिर दोबारा खरीदना पड़ जाएगा। है तो भाई 550 मीटर पर चलने में भाई दिमाग खराब हो गया, पूरा थक गया। तो इतनी गर्मी है भाई साहब, यहाँ पर पूरा धूप आ रहा है। यहाँ पर पहले जब पिछली बार आया था बहुत सारे पेड़ थे, अभी भी पेड़ है पर भाई पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लोग कट गया, क्या हो गया क्या नहीं होगा, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लगभग पहुंच चुके हैं 400 मीटर के आसपास, 100 मीटर के पास ऊपर में मंदिर है, वहां पहुंच जाएंगे और दौड़ते दौड़ते पहुंचेंगे भाई साहब। फिलहाल बहुत मशक्क़त करने के बाद आखिरकार भाई मंदिर के पास पहुँच ही गया हूँ। ऊपर में आपको दिख ही रहा होगा मंदिर, यहाँ से भाई अब लेना है प्रसाद, लेने के लिए लोग बोल रहे हैं प्रसाद लेकर फिर सीधा जाओ दर्शन करके वापस आ जाएंगे। अरे भाई साहब भीड़ देख रहे हो मंदिर के अंदर में कितना है, लाइन देखो लाइन लगेगा भाई एक घंटा दर्शन करने में। एक घंटे के मशक्क़त के बाद भाई अभी दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और अच्छे से दर्शन हो गया भाई। और ये जा रहा भाई उड़न खटोला, इसको रोडवे बोलते हैं, इसका भाई 200 रुपये चार्ज है। अब 200 रुपये में इसका रास्ता अलग है भाई, जिस रास्ते से हम आए हैं ये वो रास्ते से, थोड़ा और आगे जाओगे तो एक रास्ता मिलता है वहाँ से ये आता है, 200 रुपये में आने जाने का दोनों हो जाएगा भाई। इसी से आइए और इसी से दर्शन करिए, बढ़िया है भाई। मैं तो इस पर राइड कर चुका हूँ भाई। हम लोग जा रहे हैं व्यू पॉइंट से व्यू देखने के लिए, पूरा यहाँ से हर की पौड़ी आपको दिखेगी, पर भाई फिसल बहुत रहा है। तो भाई अभी जो है व्यू पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से पूरा आपको हरिद्वार दिख जाएगा, इधर से भी दिखेगा, पर यहाँ थोड़ा पेड़ की वजह से व्यू अभी सही नहीं आ रहा है। पिछली बार आए थे यार तो यहाँ से हर की पौड़ी भी दिख रही थी, उधर साइड में है शायद एक नीचे भी है, हाँ भाई एक नीचे भी व्यू पॉइंट है, वहाँ से पूरा हर की पौड़ी दिखती है, हाँ से भाई पूरा हर की पौड़ी दिखती है। यही वाला भी भाई मैं पिछली बार देखा था, वही मैं सोच रहा था कहीं से तो भाई पूरी हर की पौड़ी दिखती है। अभी प्रदीप भाई जो है ऊपर से उतर के आए हैं ना, इनके बहुत तेज से गर्मी लग गई है, तो अभी यहाँ पे ये खाएंगे कुल्फी, ये बहुत परेशान है। मैं इनसे बोल रहा मत खाओ अभी गर्मी से आए, तुरंत ठंडा खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी, पर ये जरूर खाएंगे कुल्फी। भैया के कुल्फी काफ़ी फेमस लग रहे हमको, आरती क्या है, आरती कुल्फी भंडार, बढ़िया भैया बढ़िया कुल्फी दीजिएगा, एकदम नंबर एक का, बढ़िया है भाई साहब। तो खाते हैं कुल्फी, थोड़ा भाई दिमाग को ठंडा करते हैं, सच में भाई काफ़ी गर्मी थी उतर के आने में ना, पूरा हालत ख़राब हो गया। तो प्रदीप भाई कुल्फी खिला रहे हैं, थैंक यू भाई। और एक तुमको नहीं खाना, किसको नहीं खाना गए, अबे ये कह रहा हमको नहीं खाना है, एक और दीजिए भैया। अबे यार मतलब इससे थोड़ा मना कर दिया कि भाई कुल्फी नहीं खाएंगे, इस सच में कह दिया नहीं खाएंगे, अरे बोलना नहीं खाना है बोल लो। अरे भाई इन लोगों को देखो हाथ में क्या पहने, हमको लग रहा है राजस्थानी। दादी दादी क्या पहना है हाथ में, क्या बोलता है इसको, जब नहीं बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे यार यहाँ पे उतना लोग फ्रेंडली नहीं है भाई, नॉर्थ ईस्ट जैसा माहौल नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में था भाई, कोई कुछ यूनिक चीज़ें पहना है तो लोगों से बात कर सकते हो ना, और वो लोग बोल भी सकते हैं, बताते हैं क्या चीज़ में पहनो, कुछ मुझे यूनिक दिख रहा था इसलिए, पर कोई बात नहीं है। हाँ भाई लग रहा है यहाँ पे ऐसे करेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाला माहौल तो भाई यहाँ सच में नहीं है, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली तो खैर नहीं है, अब पता नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्राई किया, कुछ यूनिक देखा तो मैंने कहा वीडियो बनाता हो, वैसे तो मुझे वो लोग मारवाड़ी राजस्थानी ऐसा लग रहे थे, पता नहीं। तो ओरिजिनल है भैया 150 रुपये का, मतलब ये क्या आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल, नेचुरल है ये, हाँ भाई ये नेचुरल है भाई। देखो आए भाई रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर क्या करने हैं भाई, यहाँ पे आए हैं वाईफाई यूज करने और थोड़ा मोबाइल चार्ज करेंगे, वीडियो अपलोड करना भाई, जहाँ पे स्टेशन रहता है वहाँ पे वाईफाई फ्री है, तो यहाँ पे भाई वाईफाई यूज करेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद भाई शाम को चलेंगे हर की पौड़ी पे फिर से, और वहाँ पे भाई गंगा आरती आपको दिखाएंगे। भाई साहब आपको मैं जनरल डब्बे का हाल दिखाता हूँ, देख लो भाई ये 10 मिनट से ये गाड़ी खड़ी हुई है, काफ़ी लोग अंदर घुस गए और काफ़ी लोग अभी बाहर है भाई, एकदम सांस लेने की जगह नहीं है, पूरे सारे डब्बे भाई साहब भरे हुए हैं, तो ये हाल है भाई, इसीलिए भाई मैंने तत्काल में टिकट निकाल के आए थे, और यहाँ से भी जो भाई दिल्ली वापस जाएंगे तत्काल में टिकट निकाल लिया, क्योंकि भाई हरिद्वार में से नवरात्र भी चल रहा है ना, तो काफ़ी टूरिस्ट आए हैं, तो भाई यहाँ से जो भी गाड़ी जाएगी
जनरल का सीन ऐसा है भाई, मर जाओगे इतनी गर्मी है भाई। अभी जो है स्टेशन से वीडियो अपलोड करके आ चुका हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम हो गया भाई, 3 बज चुका है। और एक प्लेट खाना मंगाया है पहले, ये 50 रुपए का एक प्लेट है भाई। और ये आइडिया जानते हो किसका है? इसका है। ये बोल रहा है ना पहले एक प्लेट मंगाओ, खाएंगे पसंद आएगा तब दूसरा प्लेट मंगाएंगे ऐसे। हाँ यार, कभी कभी हम लोग करते हैं ना, गए कहीं पे 4 प्लेट दे दो, 4 लोग हैं 4 प्लेट दे दो, पहले टेस्ट करो। ये भाई इसका दिमाग है बहुत, शाबाश 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 में भाई। वहाँ पे हम लोगों ने अभी बतासा खाया, ये तो भाई इतना भुक्कड़ है, खाना खाया उसके बाद भाई खीरा खाया, फिर अभी बतासा खाया, अभी इसको लस्सी भी पीना। और बतासा यहाँ पे इतना महंगा है जान रहे भाई, 10 रुपये का 3 बतासा दिए हैं यहाँ पे। हमने कहा भाई यहाँ पे बड़े बड़े सिटी में 10 का 5 मिलता है, 4 मिलता है। बोला भाई ये पहली बात तो टूरिस्ट प्लेस है, उसके बाद यहाँ पे वो भाई बाहर से आके यहाँ पे रहता है तो उसको रूम का भाड़ा 5,000 ऐसा ऐसा मतलब बताने लगा बहुत कुछ। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपका इतना लग रहा है तो 10 का 3 ही खिला दो। टांगा टांगा भाई, घोड़ा जा रहा है, घोड़े की सवारी करने में बड़ा मज़ा आएगा भाई साहब। चला रहे बहुत देर, मतलब कल से जब से घूम रहा हूँ पहली बार देखा भाई घोड़े रिक्शे ये सब बहुत चल रहे हैं। तो भाई अभी जो है हम हर के पौड़ी पे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी गंगा आरती स्टार्ट होने वाली। देखो सामने भाई तैयारियाँ चल रही और बहुत अच्छे जगह हम लोग बैठे भाई, यहाँ से सामने का नज़ारा एकदम अच्छे से दिखेगा। और देखो पीछे में काफ़ी लोग बैठ चुके हैं हमारे पीछे में भाई, आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ क्योंकि जल्दी नहीं आऊँगा तो भाई पीछे खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ से फिर अच्छे से नहीं दिखेगा। यहाँ आगे बैठे तो हम भी अच्छे से देख सकते हैं और आपको भी अच्छे से दिखा सकते हैं। तो भाई जैसे ही स्टार्ट होता है फिर आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे संकल्प ले रहे थे कि गंगा मैया को बिल्कुल स्वच्छ रखना है भाई, कूड़ा पन्नी दो चढ़ा दे, पन्नी डाल देते, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डालना, बिल्कुल स्वच्छ रखना है भाई। अभी जो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है आरती और आपको अब दिखाता हूँ भाई कितना भीड़ हो गए। देखो यहाँ से देखो भाई, जिधर भी आप देखोगे सिर्फ भाई आप लोगों को आदमी आदमी दिखेंगे, कितने लोग हैं भाई वहाँ तक पूरे सब। इस पुल पे भाई खड़े नहीं होने देते क्योंकि यहाँ पे कुछ दुर्घटना हो सकता है ना ज़्यादा लोग होने से। बैठेंगे थोड़ा वीडियो शूट करें। हाँ बैठ, शूट नहीं है, अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? वो तो हम मना नहीं करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा ले। हाँ हाँ हर हर गंगे हर हर गंगे, क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ गया। अभी जो है आरती ख़त्म हो चुके थे और भाई क्या अद्भुत नज़ारा था, मज़ा आ गया भाई। मैं तो कहूँगा भाई कि आप हरिद्वार आओ तो आरती ज़रूर देख के जाओ भाई। मैं 2 बार हरिद्वार आया पर कभी आरती नहीं देख पाया, मतलब ऐसा टाइम हो जाता है कि इधर उधर हो के आप लोग वापस चले जाते हो। पर मैं कहूँगा भाई अगर आप हरिद्वार आ रहे हो तो आरती ना मिस करिए भाई, 5 बजे घाट पर आ जाइए और 7 बजे के बीच में 2 घंटे में आपको आरती देखने को मिल जाएगा। अभी 7 बज चुका है और आरती ख़त्म हो चुका है, पर भाई बहुत गजब नज़ारा था। हाईवे का नज़ारा देखो भाई साहब, क्या लाइटिंग की गई है, मज़ा आ गया। यहाँ तो मैं बस सिर्फ नज़ारा देखने के लिए आया था। इस बंदे को भाई दोपहर से ही है भाई, अभी लस्सी नहीं पिया था। और इसको पहले ये बता दो भाई ये लस्सी नहीं है, ये है बादाम शेक। इसे को देख के कह रहा भाई लस्सी पीना है लस्सी पीना है, हमने कहा बादाम शेक पियेंगे। और भाई इसके भाई नखरे बहुत बड़े हैं, ये कह रहा गिलास में नहीं, वो मतलब बोतल से नहीं गिलास में पिएगा। और भाई गिलास का जो है 5 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है। चेस भाई मेरा कहाँ है भाई? चेस भाई क्या बात है, ये है ना 40 रुपये का है भाई साहब एक गिलास, 40 का है ना। हाँ थैंक यू, चेस भाई। आप साहब कह रहे हैं कि अंदर पियेंगे, इनको बाहर खत्म नहीं हो रहा है। भाई देखा यूट्यूबर का थोड़ा बहुत तो जलवा है ये, उसने बोला था कि भाई 40 रुपये का गिलास एक्स्ट्रा लोगे, 2 गिलास का 5 रुपये बोला था। पर भाई बाद में उसने कहा चलो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, क्या भाई पी रहा है अभी भी पी रहा हूँ भाई, और बुला रहा कह रहा है और लस्सी पी लो। तो भाई ये रिस्पेक्ट दिया, अच्छा लगा भाई कि 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिया। यहाँ पे भाई ऐसे छोटी छोटी दुकान है बहुत चीज़ माला वगैरह की शॉपिंग करने के लिए, पर भाई हम लड़के हम लोग क्या शॉपिंग करेंगे, लेडीज़ें अच्छे से शॉपिंग करती है ऐसे। ये पूरा काफ़ी दूर भर में मार्केट है भाई, स्टेशन से लेकर हर की पौड़ी तक बहुत अच्छा मार्केट है, मज़ा आता है। मैं तो घूम रहा हूँ बस, वो शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ, खरीदना क्या खरीद सकता हूँ। और भाई अभी हम लोग
पूरा मार्केट वगैरह घूम के आरती भी देख ली। अब चलेंगे हम फिर से भाई अपने धर्मशाला में वापस शांति कुंज में, वहाँ पे खाना रहना फ्री है, वहाँ पे रुकेंगे और कल भाई सुबह हम लोग जाएंगे ऋषिकेश घूमने के लिए। तो भाई वहाँ से हम ऑटो लेकर अभी जो है शांति कुंज में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं सोने। पास में ये हमारा वो हॉल है जिस हॉल में हम सो रहे हैं। ये तो बहुत सारे भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, इतना बड़ा धर्मशाला है ना, आप भाई घूमोगे पूरा एक घंटे लग सकते हैं। तो कोई नहीं, अभी मैं जाऊँगा सो जाऊँगा और कल सुबह भाई मैं निकलना है ऋषिकेश के लिए। तो कल ऋषिकेश पूरा दिन भर घूमूंगा, उसके बाद फिर शाम को भाई वहाँ से हमारी ट्रेन है फिर से वापस दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।